हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोग ऑक्सिन, ज्यूवर्लिन, साइटोकाइनिन की बात की थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि देख रहे हैं, एब्सिसिक एसिड इथाइलिन। तो ये आप देखिए, ये दोनों जो हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, ये प्लांट ग्रोथ को क्या करते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं। यानी कि अभी आप देख रहे हैं एब्सिसिक एसिड की बात करेंगे। अब देखिए, एब्सिसिक एसिड जहाँ तक है, सभी जानते हैं कि एब्सिसिक एसिड को एबीए के नाम से जानते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन है, क्योंकि जब भी ये टॉलरेट करता है स्ट्रेस को, तो इसी के नाम पे स्ट्रेस, क्योंकि स्टोमेटल क्लोजर होता है। ये रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। और ये भी आप जानते हैं, इसका नाम डार्मिन है, क्योंकि डार्मेंसी के लिए जाना जाता है। और ये एब्सिसिन है, क्योंकि एब्सिसिन लेयर यानी बनाता है, जिससे पहले हमने बताया था, ये एब्सिसिन लेयर को प्रमोट करता है, जिससे प्री मैच्योर लीफ फॉल होता है एंड फ्रूट होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम बता रहे थे कि ये अल्फा एमाइलेज की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, ये सीड जर्मिनेशन को भी, ये हमने कहा, इनहिबिट करता है, और ये प्लांट मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। इस तरह से ये भी इज एंटागोनिस्टिक टू GA3। और ये सभी जानते हैं कि एब्सिसिक एसिड इंड्यूस बर्ड डारमेंसी, ये बर्ड डारमेंसी को इंड्यूस करता है। और ये भी आप जानते हैं कि एबीए जो है, सेक्स रेशियो कंट्रोल करता है, मीन्स बाई सेक्सुअल फ्लावर में फीमेल फ्लावर को इंक्रीज करेगा, मेल को डिक्रीज करेगा, जबकि केवल मेल को डिक्रीज करने वाला केवल एबीए है। एबीए मीन्स कि ज्यूवर्लिन की बात करें कि ज्यूवर्लिन केवल मेलनेस होता है, बाकी जितने भी हार्मोन है सब फीमेलनेस है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि ये एब्सिसिक की बात करेंगे, अभी हम इसके बाद इथाइलिन जो फ्रूट वही फ्रूट रिपेनिंग हार्मोन भी है, तो फ्रूट को पकाता भी है, यानी फ्रूट रिपेनिंग हार्मोन भी है, जो आप देखें CSPGR है, जो नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर है। और ये ऐसा हार्मोन है जो दोनों का काम करता है, ये डारमेंसी को भी ब्रेक करता है। तो इस तरह से इसके बाद हम बात करेंगे फोटोपिरामिड्स की, और इसके बाद ही हम बात करेंगे वर्नराइजेशन। आप कहीं जाइए नहीं, पर देखिए इसको, अब देखिए इसके बारे में, जैसे कि हमने बात किया कि नेक्स्ट साइटोमेट ऑफ इंडिया कौन बनेगा एब्सिसिक एसिड के लिए, ये एब्सिसिक एसिड एबीए के नाम। और ये सभी जानते हैं कि इसके डिस्कवरर कौन थे, ये डिस्कवर किस में किया, डायमंड पोटेटो में, डायमंड बर्ड में, कार्टन फ्रूट में। और ये देखिए, इसके लिए फर्स्ट पॉइंट हमने बताया कि ये देखिए एब्सिसिक स्ट्रेस हार्मोन डार्मिन या एब्सिसिक, ये हमने बताया था डिस्कवर्ड या डिस्कवरर, ये नाम बताया था कैरेंस, कैरेंस है, एडिकॉट है, और ये भी नाम बताया था वही क्यूवा। तो ये देखा, ये डिस्कवरर है, ये हमने बताया डिस्कवर्ड फ्रॉम ये डारमेंट पोटैटो, डारमेंट बट एंड कॉटन फ्रूट्स इस नाम में देखिए, ये बात कर रहे थे। अब ये देखिए, हमने ये भी नाम बताया था कि इसका जो केमिकल नेम इसको एब्सिसिन बोलते हैं, और एब्सिसिन जिसके नाम से पता है CHO, यानी ये देखा, ये केमिकल इसका नाम एब्सिसिन का है। तो ये भी आपने देखा कि एब्सिसिन है। एबीए क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एबीए इज नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, इट इंड्यूस डारमेंसी, कौन सा डारमेंसी है, बट डारमेंसी, इट इंड्यूस बट डारमेंसी, ये बट डारमेंसी को क्या करता है, इनहिबिट करता है। अब इसका फंक्शन देखिए, ये हमने बताया था फंक्शन ऑफ एबीए, एबीए का फंक्शन देखिए, फर्स्ट फंक्शन क्या है, इट इनहिबिट्स दी, क्या करेगा भाई, इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन,
इट इनिबिट द सीड जर्मिनेशन. किसको इनिबिट कर रहा है? सीड जर्मिनेशन. नेक्स्ट हमने बताया था इट आल्सो इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमाइलेज. एंजाइम होता है अल्फा एमाइलेज एंजाइम. अल्फा एमाइलेज एंजाइम की सिंथेसिस को क्या करता है? इनहिबिट करता है. इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, यानी ये नाम बताया था कि एबीए इज एंटागोनिस्टिक टू GA3, क्योंकि GA3 प्रमोट करता है, ये इनहिबिट करता है. और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इनहिबिट्स प्लांट मेटाबॉलिज्म. किसको इनहिबिट करता है? प्लांट मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है. तो देख रहा है कि इसकी बात कर रहे थे कि ये इसको भी इनहिबिट करता है. इसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि ये क्लोजर स्टोमेटर है और ये क्या करेगा इसके अलावा, नाम जो बता रहे थे भी. नेक्स्ट, इट इंड्यूस बट डारमेंसी. ये क्या करता भाई? बट डारमेंसी को इनहिबिट करता है. और ये नाम जो बता रहे थे कि इट प्रमोट सेनिसेंस या एब्सिसिलिया. इट प्रमोट सेनिसेंस और ये नाम बताए थे एंड एब्सिसिन लेयर. और एब्सिसिन लेयर जब ये प्रमोट करता है तो ये किसको कर रहा है भाई? ये प्रमोट करता है प्री मैच्योर लीफ एंड फ्रूट. तो ये आप देख रहे हैं कि इसका जो फंक्शन है ये आप स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा मीन्स रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन. रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन. ये ट्रांसपायरेशन रेट को क्या करता है? रिड्यूस करता है. एबीए प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट मैच्योरेशन एंड डॉर्मेंसी. ओके, इसके अलावा हमने बताया था कि ये सेक्स रेशियो बाईसेक्सुअल फ्लावर में सेक्स रेशियो को कंट्रोल करता है. इट कंट्रोल सेक्स रेशियो इन बाईसेक्सुअल फ्लावर. और बाईसेक्सुअल फ्लावर में क्या करेगा? ये मेल फ्लावर को ये डिक्रीज करेगा और फीमेल फ्लावर को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. तो सेक्स रेशियो कंट्रोल करने का काम करता है. और इसके बाद हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है इथाइलिन. ये देखिए, ये आपने देखा इथाइलिन जिसको C2H4. ये इथाइलिन एक सिंपल गैसियस PGR है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये फ्रूट रिपेनिंग में हेल्प करता है. नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, यही ऐसा हार्मोन है जो इनहिबिटर के साथ प्रमोटर भी है, क्योंकि बड डायमेंसी को क्या करता है? ब्रेक करता है. और ये इसके अलावा इसके एक डेरिवेटिव इथोफोन भी है और इथोफेन भी, नाम जो बताए थे कि इथोफेन जो होता है वो भी फ्रूट रिपेनिंग को क्या करता है? एसिलेट करता है. तो ये आप देख रहे हैं कि इथाइलिन क्या है. इसके लिए बताएं कि इट इज गैसियस वोलेटाइल PGR. ये गैसियस वोलेटाइल यानी कि ये एक सिंपल भी होता है, सिंपल जो है ये गैसियस PGR के नाम से जाना जाता है. और ये भी नाम बता रहे थे कि ये इथाइलिन एक नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है. इथाइलिन इज नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन.
नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर। अब देखिए नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, क्लियर, ओके। तो ये बता रहे थे कि ये कहां से, ये मिथियोनिन एक अमीनो एसिड से सिंथेसाइज, तो ये इट सिंथेसाइज फ्रॉम अमीनो एसिड, कौन सा भाई, मिथियोनिन जो अमीनो एसिड है, इसी से ये क्या होता है, सिंथेसाइज। और इसका आप देखिए ये नेक्स्ट जो फंक्शन क्या है इसका, ये फंक्शन आप सिखाइए, ये नेचुरल पीजीआर की बात करते हैं, ये इसका जो मेन फंक्शन होता है, ये सभी जानते हैं कि इट आल्सो हेल्प इन फ्रूट रिपेनिंग। ये किस में हेल्प करता है, फर्स्ट इट आल्सो हेल्प इन फ्रूट रिपेनिंग, और जो फ्रूट रिपेनिंग होता है तो ये रिस्पायरेशन रेट जब इंक्रीज हो जाता है, इसको रिस्पायरेटरी क्लाइमेटिक इफेक्ट बोलते हैं। यानी एट द टाइम ऑफ फ्रूट रिपेनिंग इंक्रीजेस रिस्पायरेशन, इंक्रीजेस रिस्पायरेशन, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी, और ये है क्लाइमेट्रिक इफेक्ट। और ये क्या करता है, इट ब्रेक बड एंड सीड डॉर्मेंसी, बड एंड सीड डॉर्मेंसी को ये ब्रेक करता है। देखा हमने ये जो नाम बताया था कि ये डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करता है, इसके लिए ये दोनों काम करता है। थे कि ये इथाइलिन ये क्या करता है, इनिशिएट सीड जर्मिनेशन इन पीनट, इसमें पीनट में सीड जर्मिनेशन, और ये इथाइलिन प्रमोट करता है रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन में, एंड इट इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइन एपल, एंड इथाइलिन इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो पे आपने देखा फ्लावरिंग को इंड्यूस करना है, इथाइलिन प्रमोट रैपिड इंटरनोडल या पेटियोल, देखा आपने पेटियोल इलांगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, एंड इथाइलिन प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर, एंड ये भी नाम बताए थे कि ये क्या करता है, फीमेल फ्लावर को ही ये इंक्रीज करता है, यानी इंक्रीज फीमेल फ्लावर, ये फीमेल फ्लावर को क्या करेगा, ये इंक्रीज करता है सेक्स रेशियो। और इसी का एक डेरिवेटिव इथोफेन, इट हैस्टेंस फ्रूट रिपेनिंग इन टोमेटो एपल, एंड एसिलेट द एब्सिसिन इन फ्लावर एंड फ्रूट, देखा आपने थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी एंड वायलेट। तो इस तरह इथाइलिन की बात कर रहे थे कि ये जो पॉइंट हमने बताया था कि खासकर जो ब्रेक डॉर्मेंसी का, सी डॉर्मेंसी का, वो सबसे डिफर है, बाकी मेन जो पॉइंट इसका देख चुके हैं, फ्रूट रिपेनिंग एक गैसियस पीजीआर है, ये सिंपल गैसियस पीजीआर है। तो ये जो नाम बता रहे थे कि सिंपल गैसियस पीजीआर है, तो इस तरह से आपने देखा हार्मोन की बात कर रहे थे कि ऑक्सिन है, जिवरलिन है, साइटोकिनिन, तीनों जो है प्रमोटर थे, जबकि एब्सिसिक और इथाइलिन ये क्या था, ये हमने बताया इनहिबिटर है, तो नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर है। इसके अलावा आपने देखा एंथिसिन है, एक नेचुरल आपने देखा जो नाम बता रहे थे, उसके अलावा एंथिसिन है अदर्स में जो फ्लावरिंग में हेल्प करता है। अब देखिए एंथिसिन भी, जबकि इथाइलिन से एक डिजीज होता है जिसको आपने देखा कर्लिंग ऑफ पेटल बोलते हैं, स्लिप डिजीज, तो स्लिप डिजीज किससे होता है, तो ये बता रहे थे इथाइलिन यानी कर्लिंग ऑफ पेटल, पेटल क्या कर जाता है, कर्ल कर जाता है, तो ये नाम जो बता रहे थे कि स्लिप डिजीज मीन्स, एक नाम बताए थे कर्लिंग ऑफ क्या है, पेटल्स कॉजेस या कॉज बाई
इथाइलिन। इथाइलिन से ये होता है, जबकि इसके अलावा जो हम नोट बताए एंथिसिन भी है जो फ्लावरिंग में हेल्प करता है, मार्फेक्टीन है, बहुत सारे हैं एमएच वगैरह जो भी नाम बताए, लेकिन ये हार्मोन। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है फोटोपिरिडाइन। ये है फोटोपिरिडाइन। ये क्या है फोटोपिरिडाइन, तो इसके बारे में आपने सभी जाना है। फोटोपिरिडाइन क्या है? द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट ऑफ प्लांट। जब प्लांट पे डे और नाइट का जो भी साइड इफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं फोटोपिरिडाइन। इसका टर्म गार्नर और एलॉर्ड ने दिया और ये बताया फोटोपिरिड इज इक्वल टू डे प्लस नाइट, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट प्लांट मेनली थ्री टाइप्स, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। तीन तरह के प्लांट होते हैं, यानी कि लाइट का ड्यूरेशन है एबव द 12 आवर्स, बिलो द 12 आवर्स एंड नो इफेक्ट ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड डे न्यूट्रल लाइट। यानी डे न्यूट्रल जो प्लांट होते हैं उसमें लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब देखिए नीट में कई बार आ चुका है कि अगर डे न्यूट्रल प्लांट है तो वो कौन से होते हैं, लॉन्ग डे है तो कौन सा प्लांट है, लॉन्ग डे है, शॉर्ट डे है तो कौन सा प्लांट है, ये इसकी बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फोटोपिरिडाइन, ये हमने बताया था द टर्म फोटोपिरिडाइन गिवन बाय गार्नर एंड एलॉर्ड, किसने किया था, इन टोबैको। ये नाम जो बता रहे हैं टोबैको एंड निकोटियाना टोबैको, इसमें सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया था ये टोबैको में। और ये क्या बोला था, द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट ऑन प्लांट are called photoperiod। और ये नाम बताए थे कि photoperiod is equal to day plus night, day plus night। तो ये नाम बताए थे photoperiod is equal to photoperiod day plus night की बात कर रहे थे कि इसमें होता है। एंड the response of plant to the photoperiod एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फ्लावरिंग इज कॉल्ड एज फोटोपिरिडाइन। और ये भी नाम बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ये नाम बताया था जब इसका क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट प्लांट are divided into three category, तीन category में होता है। First ये नाम होता है long day plant, second short day plant, third day neutral plant। क्या होता है भाई day neutral। अब ये duration of light की अगर बात करें तो ये मान लीजिए critical photoperiod है, यानी इसको हम बोलते हैं critical फोटोपीरियड। क्या है क्रिटिकल फोटोपीरियड, ये 12 आवर्स है। और ये बता रहे थे कि अगर ये प्लांट ये आप देखिए एबव ये ऊपर है 12 आवर्स और ये नीचे क्या है बिलो है 12 आवर्स से कम है। अगर देखिए अगर 12 आवर से अपर साइड में यानी ऊपर जाकर ये प्लांट जो होता है अगर ये फ्लावरिंग करता है, ये प्लांट अगर फ्लावरिंग कर रहा है तो समझिए ये क्या होगा भाई, ये 12 आवर से ऊपर है और फ्लावरिंग कर रहा है, अगर इससे कम है तो ये फ्लावरिंग नहीं करता है, यानी इसको फ्लावरिंग प्रूटिंग के लिए अबव 12 आवर का रिक्वायरमेंट होता है। इस तरह को प्लांट इसमें देखिए नो क्या है फ्लावरिंग, इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, इस तरह प्लांट को क्या बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट, यानी जिसमें देखे इसको फ्लावरिंग के लिए अबव क्या है 12 आवर्स, यानी 12 आवर्स का रिक्वायरमेंट होता है
तो आपने देखा ये फ्लावरिंग होती है, तो इसको हम बोलते हैं लैंगलेट। अगर ये देखा आपने कि अगर ये बब में ये फ्लावर नहीं है, फ्लावरिंग नहीं है, प्लांट में नो फ्लावरिंग, फ्लावरिंग नहीं हो रही, इसमें देखिए अगर बिलो है और इसमें आप देख रहे हैं कि ये फ्लावरिंग हो रही है इस प्लांट, इसमें लाइट अगर 12-12 घंटे से कम लाइट पे अगर फ्लावरिंग हो रही है, तो इस तरह के प्लांट को शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। अगर देखिए जिसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है फ्लावरिंग में, तो इस तरह के प्लांट को आपने बोला क्या है भाई, डे न्यूट्रल प्लांट, यानी देयर इज नो इफेक्ट ऑन ड्यूरेशन ऑफ क्या है लाइट, ड्यूरेशन ऑफ क्या है लाइट, लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता फिर भी फ्लावरिंग होती है, ये डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। तो ये आपने देखा कि ये डे न्यूट्रल प्लांट है जिसको हम फ्लावरिंग आफ्टर वेजिटेटिव मैच्योरिटी की बात करते हैं, तो ये फ्लावरिंग आफ्टर वेजिटेटिव क्या है मैच्योरिटी, तो ये नो इफेक्ट, ये डे न्यूट्रल। अब इसके क्या एग्जाम्पल है और क्या होता है इसके बारे में ये कई बार आ चुका है, तो आप देखें ये लॉन्ग डे प्लांट है, और ले लॉन्ग डे प्लांट के लिए दोज प्लांट हु रिक्वायर मोर देन 12 आवर्स ऑफ लाइट फॉर फ्लावरिंग दैट इज कॉल्ड लॉन्ग डे प्लांट। इसको फ्लावरिंग के लिए 12 आवर यानी कि 12 घंटे से अब लाइट की रिक्वायरमेंट है, और इसमें एग्जाम्पल होता है एस आर डब्ल्यू सॉरी यस सुगर बीट स्पिनच, ये देखिए आर रेडिस ओएट एंड बीट, और शॉर्ट प्लांट वो प्लांट होते हैं दोज प्लांट रिक्वायर बिलो 12 आवर्स फॉर फ्लावरिंग, और इसमें आता है जीएसटी एसडीएम। जीएसटी किसने लागू किया, एसडीएम यानी जी से ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन, एस से सुगर केन, टी से टोबैको, एक्स से जेंथियम, टी से डहेलिया और यम से मस्टर्ड, और डीएलपी डे न्यूट्रल प्लांट यानी कि देयर इज नो इफेक्ट ऑन ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट यानी ड्यूरेशन ऑफ लाइट का कोई इफेक्ट नहीं है, और इस तरह का प्लांट एस एम टी सी। तो ये जो नाम बता रहे थे कि एस एम टी सी क्या है, जिसे सनफ्लावर है और सनफ्लावर के बाद मेज है, टोमेटो और काटन है, तो ये आता है इसमें सनफ्लावर है, मेज है ये टोमेटो एंड कट, ये जो होता है ये डे न्यूट्रल प्लांट है जिसमें लाइट का हमने बताया कि इसमें लाइट का कोई इफेक्ट नहीं है, और इस तरह से आप देखिए एग्जांपल एक जरूर आते हैं पेंटिंग। तो देखा आपने ये जो नाम वर्नलाइजेशन, ये क्या है वर्नलाइजेशन, वसंतीकरण जिसको बोलते हैं, या इसी का नाम यारोजेशन, देखिए यारोजेशन, इसी को चिल्स ट्रीटमेंट भी बोलते हैं या चिलिंग ट्रीटमेंट, यानी लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, दैट इज आपने देखा इसका नाम क्या बोला वर्नलाइजेशन, जिसका टर्म लाइसेंस को नहीं दिया था, तो ने इसमें देखा दी टर्म वर्नलाइजेशन गिवन बाय लाइसेंस, साइंटिस्ट लाइसेंस, और इसका डेफिनेशन क्या है, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट है, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, देखा आपने 1 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, यानी लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस अर्ली स्टेजेस इंड्यूसिंग फ्लावरिंग दी प्रोसेस, यानी कि अर्ली स्टेजेस फ्लावरिंग दिस प्रोसेस आर कॉल्ड, ये वर्नलाइजेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं वर्नलाइजेशन। अगर ये हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट हो जाए और वर्नलिन जो हार्मोन है रिमूव हो जाए,
उसको हम क्या बोलते हैं, जब हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट अबव, देखा आपने 10 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस से अबव अगर ये टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वर्नेलिन हार्मोन रिमूव हो जाता है। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, डीवर्नेलाइजेशन। ये वर्नेलिन देखा चिलिंग ट्रीटमेंट है, जिसका नाम भी हमने आपको बताया था कि ये अर्ली फ्लावरिंग इंड्यूसी बाय चिलिंग ट्रीटमेंट दैट इज कॉल्ड, ये आपने देखा वर्नेलाइजेशन स्कूल ट्रीटमेंट। ये विंटर वैरायटी को समर वैरायटी में क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है, ट्रांसफर करता है, यानी स्प्रिंग वैरायटी में ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो ये जो नाम बता रहे थे अर्ली फ्लावरिंग इंड्यूसिंग फ्लावरिंग चिलिंग ट्रीटमेंट इज नोन एज वर्नेलाइजेशन। ये वर्नेलाइजेशन बाय कूल ट्रीटमेंट ये क्या करता है कि विंटर वैरायटी वाले को किसमें ट्रांसफर करता है, स्प्रिंग या समर, और ये विंटर वैरायटी वर्नेलिन हार्मोन के प्रेजेंस में ये स्प्रिंग में या समर सीजन में चेंज होता है। इसका मेन साइट ऑफ वर्नेलाइजेशन कहाँ होता है, एपिकल मेरिस्टेम में होता है या ऑल दी मेरिस्टेमेटिक क्या है सेल में होते हैं, जैसे रूट अपेक्स यानी कि रूट टिप, एम्ब्रियो टिप, ये क्या है एम्ब्रियो टिप, और ये क्या रूट अपेक्स तो होता है। ये डीवर्नेलाइजेशन जस्ट अपोजिट है कि जब हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट एबव 30 डिग्री सेल्सियस रिमूव वर्नेलिन हार्मोन इज कॉल्ड डीवर्नेलाइज। जब हाई टेम्परेचर देते हैं तो वर्नेलिन जो हाइपोथेटिकल है जिसको मेलक्रस ने दिया था ये क्या होता है, रिमूव हो जाता है, जिससे नाम इसका होता है डीवर्नेलाइज। अब देखिए ये डीवर्नेलाइजेशन की बात कर रहे थे, ये भी आपने देखा कि बाइनियल प्लांट्स आर मोनोकार्पिक, ये मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं, और देखिए बाइनियल है मोनोकार्पिक है पॉलीकार्पिक, मोनोकार्पिक जीवन में एक ही बार लाइफ में फ्लावर फ्रूटिंग करता है, जबकि पॉलीकार्पिक में देखा आपने कई बार फ्लावर फ्रूटिंग करता है, जैसे कि बम्बू वगैरह की बात करते थे। यहाँ देखिए बाइनियल प्लांट और मोनोकार्पिक प्लांट शुगर बीट, कैबेज और कौन सा, और ये दैट नॉर्मली फ्लावर वंस इन लाइफ, नॉर्मली फ्लावर एक ही लाइफ एक ही बार, एंड डेथ एंड डाई इन द सेकेंड सीजन में इसकी क्या होती है डेथ। इन बाइनियल प्लांट्स इन कोल्ड ट्रीटमेंट इट स्टिमुलेट द फ्लावरिंग रेस्पॉन्स इवन द फर्स्ट सीजन। तो इस तरह से आपने देखा वर्नेलाइजेशन, जिसको जहाँ भी कोल्ड ट्रीटमेंट या लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट अगर बात आती है तो यह है वर्नेलाइजेशन। इसी को चिल्स ट्रीटमेंट के नाम से कहते हैं, जिसका टर्म लाइसेन को ले दिया। और ये आप देख रहे थे कि वर्नेलाइजेशन है, एक फाइटोक्रोम होता है जो पिगमेंट है वो भी फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये फाइटोक्रोम पीआर है, पीएफआर की बात करते हैं, फॉरवर्ड रीजन की बात करें फ्लावरिंग के लिए वो भी होता है। और इस तरह से हम प्लांट ग्रोथ की बात कर रहे थे, आज की सेवा हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय एमबीबीएस।